शांतिनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत हथियार लेकर घूम रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम अरविंद धनसूरे है। जानकारी के अनुसार पुलिस उपनिरीक्षक अरुण बकाल शांतिनगर परिसर में अपने स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति शांतिनगर परिसर में संदेहास्पद स्थिति में नजर आया। जब उसने सुनने के लिए कहा गया तो वह पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसे किसी तरह पकड़ा और पूछताछ की तो उसने अपना नाम अरविंद खनसूरे, प्लॉट नंबर 577, खुशीनगर पाटिल किराना स्टोर के समीप चरीपट का निवासी बताया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास भी धारदार हथियार मिला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसके खिलाफ विभिन्न पुलिस स्टेशन अंतर्गत चोरी, जबरन चोरी, डकैती जैसे मामले दर्ज है। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी, परिमंडल क्रमांक 3, सहायक पुलिस आयुक्त भूषण पंडित के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक जामदार ने की है। काल दिनांक 7/4/21 रोजी संध्याकाळच्या सुमारास आमच्या डीबी पथकाचे पोलीस उपनिरीक्षक श्री बकाल साहेब यांना त्यांच्या गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की शांतीनगर पोलीस स्टेशन झाद्दीमध्ये एक इसम हत्यार चाकू घेऊन फिरत आहे। ही माहिती मिळाल्यामुळे PSI बकाल त्यांच्या टीमसह जो या माहिती मिळालेल्या ठिकाणी गेले असता इसम नामे अरविंद अशोक घनसुरे हा एक चाकूसहित मिळून आला म्हणून त्याला पोलीस स्टेशनला आणून त्याच्याविरुद्ध आर्म्स ॲक्ट 425 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। हा जो आरोपी आहे हा रेकॉर्डवरील आरोपी आहे। याच्यावर यापूर्वी देखील हर्टचे आणि चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत। काही गुन्हे जरीपटका कळमना आमच्या शांतीनगर पोलीस स्टेशनला देखील गुन्हे दाखल आहेत। आत्तापर्यंत जे रेकॉर्ड आम्हाला प्राप्त झाले त्यामध्ये त्याच्यावर यापूर्वी 10 गुन्हे दाखल असल्याचं निदर्शनास आलेलं आहे। सध्या आरोपी अटकेत आहे आणि त्याच कोर्टात हजर करण्यात येणार आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे, BC News नागपूर।